एक नमस्कार एक बार फिर से आपका स्वागत है आइए देखते हैं हिंदी साहित्य नेट जा रहे आपके सिलेबस में लगा हुआ आपका भारत हरिश्चंद्र हरिश्चंद का निबंध दिल्ली दरबार दरबार इससे पहले हमने का भारत हरिश्चंद्र हरिश्चंद का भारतवर्ष उन्नति भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है यह भी दो भागों में देख चुका हूँ दो भाग मतलब छोटे छोटे और इसको भी हम चार भाग में देखेंगे तीन भाग या फिर चार भाग में छोटे छोटे पार्ट में आराम से ही आइए देखते हैं दिल्ली दरबार तर्पण पंक्तियाँ बीच बीच में से पूछ पूछ दी जा रही हैं कि इसमें क्या है फिर उससे ऑप्शन बना दिया जा रहा है इसलिए हमें ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है थोड़ा ही पढ़ें ध्यान से तो आइए देखते हैं इसको शुरू करते हैं ठीक है सब राजाओं की मुलाकातों का हाल अलग अलग लिखना आवश्यक नहीं है यहीं से शुरुआत हो जा रही है क्योंकि सबके साथ वही मामूली बातें हुई सब बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी झंडा और सोने का तमगा मिला झंडे अत्यंत सुंदर थे पीतल के चमकीले मोटे मोटे डंडों पर राज राजेश्वरी का एक एक मुकुट बना था और एक एक पटरी लगे थे जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा था और फरहरे पर जो डंडे से लटकता था स्पष्ट रीति पर उनके शस्त्र आदि के चिन्ह बने हुए थे झंडा और तमगा देने का समय श्रीवत वायसराय ने हर एक राजा से झंडा देते समय झंडा और तमगा तमगा देने के समय श्रीवत वायसराय वायसराय वो होते थे ना उस समय अठारह सौ सत्तावन की क्रांति के बाद रचना आपकी उसी समय क्या है तो जब वायसराय थे तो वायसराय ने हर एक राजा से ये वाक्य कहें यह भी पूछा जा सकता है इन्वर्टेड का में भी है डबल इनवर्टेड मैं श्रीमती महारानी उस समय मतलब कि आ, महारानी वहाँ के जो थी उनके शासन के अंदर था भारत का जो नियम कानून था अठारह सौ था, सत्तावन की क्रांति के बाद मैं श्रीमती महारानी की तरफ से एजेंडा खास आपके लिए लेता देता हूँ जो उनके हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा श्रीमती को भरोसा है कि जब कभी एजेंडा खुलेगा आपको उसे देखते ही केवल इस बात का ध्यान ना होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपके खैर खा से घराने का कैसा दृढ़ संबंध है वरन यह भी कि सरकार की यह बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रतापी प्रारब्धि और अचल देखे मैं श्रीमती महारानी की मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की आ, हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी की आज्ञा अनुसार आपको यह तमगा भी पहनाता हूँ ईश्वर करे आप उसे बहुत दिनों तक पहने और आपके पीछे या आपके कुल में बहुत दिन तक रह कर उस शुभ दिन को याद दिलावे जो इस पर छपा है। तो यह पंक्तियाँ हैं शेष राजाओं कम समझ में आया होगा वैसा ही है शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार सोने या चाँदी के केवल तमगे ही मिले किलात के खाँ को भी झंडा नहीं मिला किलात की खां को भी झंडा नहीं मिला पर उन्हें एक हाथी जिस पर चार हज़ार की लागत का हौदा था यह भी पूछा जा सकता है पूछा गया है ऐसे ही क्वेश्चन तो पूछा जाएगा किलात खां को झंडा नहीं मिला लेकिन उन्हें कितने लागत का हौदा मिला तो चार हज़ार उन्हें एक हाथी जिस पर चार हज़ार की लागत का हौदा था जड़ाऊ गहने घड़ी कारचोभी कपड़े कम खाप के थान वगैरह सब मिलाकर कितने पच्चीस हज़ार की चीज़ें तोहफे में मिली इसको किलात खां को यही पूछा गया था पिछली बार यह बात किसी दूसरे के लिए नहीं हुई थी इसके सिवा जो सरदार उनके साथ आए थे उन्हें भी किश्तियों में लगा कर दस हज़ार रुपये की चीजें दी गई प्राय लोगों को इस बात के के जानने का उत्साह होगा कि खां का रूप और वस्त्र कैसा था निसंदेह जो कपड़ा खां पहने थे वह उनके साथियों से बहुत अच्छा था तो भी उनकी या उनके किसी साथी की शोभा उन मुग़लों से बढ़कर न थी जो बाज़ार में मेवा लिए घुमा करते हैं हाँ केवल हाँ कुछ फर्क तो था इतना था कि लंबी गाभिन दाढ़ी के कारण यानी घनी गाढ़ी दाढ़ी के कारण खान साहब का चेहरा बड़ा भयानक था इन्हें झंडा न मिलने के कारण समझना चाहिए कि बिल्कुल स्वतंत्र हैं इन्हें आने और जाने के समय शुरूत वायसराय गलीचे के किनारे तक पहुँचा गए थे पर बैठने के लिए इन्हें भी वायसराय के चबूतरे के नीचे ही वहीं कुर्सी मिली थी जो और राजाओं को खास साहब के मिजाज में रूखापन बहुत है एक प्रतिष्ठित बंगाली इनके डेरे पर मुलाकात के लिए गए थे खाने पूछा क्यों आए हो बाबू साहब क्यों आए हो बाबू साहब ने कहा आपकी मुलाकात को इस पर खां बोले कि अच्छा आप हमको देख चुके और हम आपको अब जाइए हो गया मुलाकात बहुत से छोटे छोटे राजाओं की बोलचाल का ढंग भी जिस समय वे वायसराय से मिलने आए थे संक्षेप के साथ लिखने के योग्य कोई तो दूर ही से हाथ जोड़ और दो एक ऐसे थे जब एडी कांग एडी कॉन्ग के बदन झुकाकर इशारा करने पर ही उन्होंने सलाम न किया तो एडी कॉन्ग ने पीठ पकड़कर उन्हें धीरे से झुका दिया कोई बैठकर उठना जानते ही न थे यहाँ तक कि एडी कॉन्ग को उठो कहना पड़ता था कोई झंडा तमगा तमगा सलामी और खिताब पाने पर भी एक सब धन्यवाद का नहीं बोल सके और कोई बेचारे इनमें से तो दो ही एक पदार्थ पाकर ऐसे प्रसन्न हुए कि श्रीवत वायसराय पर अपनी जान और माल निछावर करने को तैयार थे सबसे बढ़कर बुद्धिमान हमें एक महात्मा दिख पड़े दिख पड़े जिनसे वायसराय ने कहा कि आपका नगर तो तीर्थ गिना जाता है पर हम आशा करते हैं कि आप इस समय दिल्ली को भी तीर्थ ही के समान पाते हैं इसके जवाब में वे बेधड़क बोल उठे कि यह जगह तो सब तीर्थों से बढ़कर है, जहां आप हमारे खुदा मौजूद हैं नौबाब लुहारू की भी अंग्रेज़ी में बातचीत सुनकर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें हंसी न आई हो नवाब साहब बोलते तो बड़े बेधड़क धड़ाके से थे पर उसी के साथ कायदे और मुहावरे के भी खूब हाथ पाँव तोड़ते थे कितने वाक ऐसे थे जिनके कुछ अर्थ ही नहीं हो सकते पर नवाब साहब को अपने अंग्रेजी का ऐसा कुछ विश्वास था कि अपने मुंह से केवल अपने ही को नहीं वरन अपने दोनों लड़कों को भी अंग्रेजी अरबी ज्योतिष गणित आदि पर जाने कितनी विद्याओं का पंडित बखान गए नवाब साहब ने कहा कि हमने और रईसों की तरह अपनी उम्र खेल कूद में नहीं गवाई वरन लड़कपन से ही विद्या के उपार्जन में चित्त लगाया और पूरे पंडित और कभी हुए इसके सिवाय नवाब साहब ने बहुत से राजभक्ति के वाक्य भी कहे हैं वायसराय ने उत्तर दिया कि हम आपके अंग्रेज़ी विद्या पर इतना मुबारकबाद नहीं देना मुबारकबाद नहीं देते जितना अंग्रेज़ों के समान आपका चित्र होने के लिए फिर भी नवाब साहब ने कहा मैंने इस भारी अवसर के वर्णन में अरबी और फारसी का एक पद ग्रंथ बनाया है जिसे मैं चाहता हूँ कि किसी समय सूर्यत को सुनाऊँ सूर्यत ने जवाब दिया कि मुझे भी कविता का बड़ा अनुराग है और मैं आपसे एक भाई कवि यानी ब्रदर पोएट देख बहुत प्रसन्न हुआ और आपकी कविता सुनने के लिए कोई अवकाश का समय अवश्य निकालूँगा उनती को सत्र के अंत में महारानी तंजौर वायसराय से मुलाकात को आई ये ताश का सब वस्त्र पहने थी और मुंह पर भी ताश का नकाब पड़ा हुआ था इसके सिवाय उनके हाथ पांव दस्ताने मुझे मैं ऐसे ढके थे कि सबके जी में उन्हें देखने की इच्छा ही रह गई महारानी के साथ में उनके पति राजा सखाराम साहिब पूछा जा सकता है कि महारानी के पति का नाम क्या था तो राजा सखाराम साहिब और दो लड़कों के सिवाय उनकी अनुवादक मिसेस फर्त भी थी अनुवादक कौन थी मिसेस फर्त महारानी पहले आकर वायसराय से हाथ मिलाया और अपनी कुर्सी पर बैठ गए श्रीवत वायसराय ने उनके दिल्ली आने पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की और पूछा कि आपको इतनी भारी यात्रा में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ महारानी अपनी भाषा की बोलचाल में बेगम भोपाल की जरूरत चतुरना थी इसलिए ज्यादा बातचीत मिसेस फर्थ से हुई मतलब उनकी अनुवादक जो थी जिन्हें सूरत ने, ने प्रसन्न होकर कहा मन भावनी अनुवादक कहा वायसराय की कि किसी बात के उत्तर में एक बार महारानी के मुंह से यश निकल गया इस पर श्रीयत ने बड़ा हर्ष प्रकट किया कि महारानी अंग्रेजी भी बोल सकती हैं पर अनुवादक मेम साहब ने कहा कि वे अंग्रेजी में दो चार शब्दों से अधिक नहीं जानते इस वर्णन के अंत में यह लिखना अवश्य है कि श्रीयत वायसराय लोगों में से इतनी मनोहर रीति से बातचीत करते थे जिससे सब मगन हो जाते थे और ऐसा समझते थे कि वायदसराय ने हमारा सबसे बढ़कर आदर सत्कार किया है भेंट होने के समय सूरत ने हर एक से कहा आपसे दोस्ती करके हमें अत्यंत प्रसन्न हुए और तमगा पहनाने के समय भी बड़े बड़े स्नेह से उनके पेट पर हाथ रखकर बात की एक जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ यह दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा एक बड़े भारी मैदान में, में नगर से पाँच मील पर हुआ बीच में सूरत वायसराय का सटकोण चबूतरा था जिसकी गुम्बद नुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा और सुनहला रूपाला तथा शीशे का काम बना हुआ था कंगूरे के ऊपर कलश की जगह श्रीमती राजा राजेश्वरी की सुनहला मुकुट लगा था इस चबूतरे पर सूर्यत अपने राज सिंहासन में सुशोभित हुए थे उनके बगल में कुर्सी पर लेडी साहब बैठी थी और ठीक पीछे लोग हाथों में चंबर लिए और सूर्य के ऊपर कारचोबी छत्र लगाए खड़े थे वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ दो पेज दो पेज दामन बरदार जिनमें एक सूर्यत महाराज जम्बू का अत्यंत सुंदर सबसे छोटा राजकुमार और दूसरा कर्नल बर्न का पुत्र था खड़े थे उनके दाहिने माए और पीछे मुसाहिब और सेक्रेटरी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े थे वाइसराय के चबूतरे के ठीक सामने कुछ दूर पर उससे नीचा एक और चंद्राकार चबूतरा था जिस पर शासनाधिकारी राजा लोग और उनके मुसाहिब मद्रास और बंबई के गवर्नर पंजाब बंगाल और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर और हिंदुस्तान के कमांडर इन चीफ अपने अपने अधिकारियों समय सुशोभित थे इस सबूतरे की छत बहुत सुंदर नीले रंग के साटन के थे जिसके आगे लहरियादार छज्जा बहुत सजीला लगा था लहरिए के बीच बीच में सुनहले काम के चांद तारे बने थे राजाओं की कुर्सियाँ भी नीली साटन से मढ़ी थी और हर एक के सामने वे झंडे गढ़े थे और उन्हें वायसराने दिए थे पीछे अधिकारियों की कुर्सियाँ लगी थी जिन पर भी नीली साटन चढ़ी थी हर एक राजा के साथ एक भारी पॉलिटिकल अफसर भी था इनके सिवा गवर्नमेंट के भारी भारी अधिकारी भी यहीं बैठे थे राजा लोग अपने अपने प्रांतों के अनुसार बैठाए गए थे राजा लोग अपने अपने प्रांतों के अनुसार बैठाए गए थे यहीं पे पार्ट एक समाप्त करते हैं और पार्ट दो इसके आगे देखेंगे कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए सब्सक्राइब लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट कीजिए जो आपके सुझाव हो आपके सवाल टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूसरे भाग में मिलते हैं दिल्ली दरबार दर्पण